एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शीतल फ्रॉम नॉलेज किड्स कॉर्नर 222। और गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो है वो ऑनलाइन टीचिंग सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज जो मैं लाई हूँ वो ओरल टॉपिक लेकर आई हूँ कि आप ओरल वे में किस तरीके से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बच्चों को सिखाते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों को मैंने आपको बताया है कि कुछ राइमिंग सॉन्ग में, कुछ इंटरेस्टिंग वे में और क्लास को एक्साइटमेंट वे में करने के लिए आपको ये जो है इस तरीके से आप फ्रूट एंड वेजिटेबल सिखाएंगे जो आगे मैं बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, मैं हूँ शीतल और इस चैनल पर आपको बच्चों के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कैसे उन्हें पढ़ाएं। और अगर अगर आप बच्चों से जुड़ा कोई भी काम करना चाहते हैं, प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं, डे बोर्डिंग खोलना चाहते हैं, तो इस पर मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ। तो आप मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाइए या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। और अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो लिंक भी प्लेलिस्ट का भी सेंड कर देती हूँ। करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम लेते हैं फ्रूट्स को। एप्पल मैंगो बनाना, ऑरेंज ग्रेप्स। एप्पल मैंगो बनाना, ऑरेंज ग्रेप्स। वंस अगेन, एप्पल मैंगो बनाना, ऑरेंज ग्रेप्स। इस तरीके से हम राइमिंग वे में बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि राइमिंग वे जो होता है सिखाने का बहुत ही बच्चों को इफेक्टिव वे होता है, बच्चे जल्दी लर्न करते हैं। बच्चों को हम सिखाएंगे एप्पल मैंगो बनाना, दे फील समटाइम बोर, उन्हें एक राइमिंग एक रिदम फॉर्म में पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हमने राइमिंग फॉर्म बना ली। तो आप इस तरीके से अपने भी कुछ फ्रूट्स वगैरह वो भी ऐड कर सकते हैं, बट इस तरीके से 5 to 6 जो है फ्रूट्स से बच्चों को लर्न हो जाते हैं। और आप इस तरीके से बच्चों को पिक्चर शो कर सकते हैं फ्लैश कार्ड के थ्रू, चार्ट के थ्रू, और आप स्मार्ट टीवी में दिखा सकते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ्रूट डे को बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और जब आप फ्रूट डे सिखाएं तो आप फ्रूट डे सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी बताती हूँ, फ्रूट्स डे, वेजिटेबल्स डे, तो फ्रूट्स डे को बच्चों को ये कह सकते हैं कि आप ड्रेसेस पहनकर आइए फ्रूट्स डे पर। कोई एप्पल, कोई मैंगो, कोई बनाना, इस तरीके से आप बच्चों को बना सकते हैं। ये राइमिंग आप करवा सकते हैं। प्लस आप एक 2 to 3 लाइंस अगर प्ले ग्रुप के बच्चे हैं तो जैसे बोल, माय नेम इज दिस, आई ड्रेस अप एज अ एप्पल, एप्पल इज रेड इन कलर। तो इस तरीके से आप जो लाइनें लर्न करवाएंगे बच्चों को, एक एक्टिविटी भी हो गई, एक आपने पढ़ा भी दिया बच्चों को, फ्रूट्स डे भी बच्चों को अच्छे समझ में आया। क्योंकि तो छोटे बच्चों में है वो हर टॉपिक को इसी तरीके से कराया जाता है ताकि जो बच्चों को अच्छे से वो कॉन्सेप्ट लर्न हो। उस पर 2-3 एक्टिविटी आप कराइए। आप सेलिब्रेशन के थ्रू करा सकते हैं फ्रूट्स डे, आपने लाइनें लर्न करवा दी, आपने पोएम करा दी, आपने फ्लैश कार्ड या स्मार्ट टीवी प्रोजेक्टर जैसे भी आप शो कर सकते हैं क्लास में, आप शो कीजिए। तो ये जो सारे तरीके होते हैं लर्न कराने के, ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो अब हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की। टोमेटो पोटैटो ओनियन ब्रिंजल पीस। वंस अगेन, टोमेटो पोटैटो ओनियन ब्रिंजल पीस। तो बच्चों को आप वेजिटेबल के लिए भी ड्रेसअप होने के लिए कह सकते हैं। अगर प्ले ग्रुप के बच्चे हैं तो 2 लाइंस बहुत होती है। एलकेजी एंड यूकेजी के लिए 4 to 5 लाइंस लर्न करने के लिए बोल सकते हैं। और कैसे आप देंगे इस पर मैं पहले वीडियो ला चुकी, कौन कौन सी लाइनें बच्चों के लिए इफेक्टिव रहती है। तो अगर वो वीडियो मुझे मिली तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और थंबनेल आपको स्क्रीन पर बता दूंगी किस तरीके से जो है हर टॉपिक को बच्चों को सिखाया जाता है, किस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को सिखाया जाए। तो प्ले ग्रुप की बात चल रही है क्योंकि प्ले ग्रुप ऑनलाइन टीचिंग सीरीज चला रही हूँ 2 to 3 एज के लिए। इस तरीके से आप राइमिंग फॉर्म में सिखाएंगे तो बच्चे जल्दी लर्न करते हैं। तो गाइस, मैंने आपको सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए किस तरीके से आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डे बच्चों को सिखाएंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया है कि फ्रूट्स डे और वेजिटेबल्स डे को आप सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, टीचिंग एड यूज करें, क्या क्या टीचिंग एड्स होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।